The National Impact Awards 2000. आज National Impact Awards 2024 है. डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन जी मेरे साथ हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अवार्ड्स हैं कि लोग जो इतना काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए उनको हम सम्मानित करें. और मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज यहाँ हूँ इन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए. ये ना सिर्फ अपने फील्ड में लेकिन हमारी सोसाइटी को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं जो सारे लोग आज यहाँ अवार्ड हुए हैं. तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा. मैडम, आपने कई फिल्मों में अदाकारी की है, कौन सी फिल्में हैं जो आपकी याददाश्त रही है? ऑफकोर्स मोहब्बतें तो है ही, वो सभी को याद है. लेकिन मेरी एक फिल्म थी चांद के पास चलो, उसे भी बहुत लोगों ने देखा और सराहा. और उस फिल्म में शूट करने में, नैनीताल में शूट करने में बहुत अच्छा लगा था. मैडम, कभी कभी क्या होता है किसी एक्ट्रेस के लिए या एक्टर के लिए कुछ उसकी डायलॉग होते हैं जो एक मिसाल कायम करता है, तो आपके कुछ फिल्मों में इस तरीके का रहा है तो आप हमारे दर्शकों को देना पड़ेगा? ज़रूर डायलॉग्स तो रहे हैं. इनफैक्ट एक मैंने गोविंदा जी के साथ फिल्म की थी, वो उन्होंने मुझे एक टेक में पूरा कॉमिक सीन भी करवाया था. लेकिन वो सिंदूर वाला डायलॉग जो मोहब्बतें में है वो सभी को याद है कि आपने स्टेशन पर कहीं इस लड़की को तो देख लिया लेकिन उसके माथे का सिंदूर नहीं देखा, उसके हाथों के कंगन नहीं देखे. वो करवा चौथ की रात थी और मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी. आई थिंक वो डायलॉग सबसे याद है. आने वाली कौन सी फिल्म? हाल ही में मेरी OTT शो कफस रिलीज हुई है जो मोना सिंह और शर्मा जोशी के साथ है और OTT पे भी काफी और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. सवाल, आप यहाँ आई, आप यहाँ के लोगों का किस तरीके से क्या अदा करना चाहती है, शुक्रगुजारी के रूप में किस तरीके से? जी बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल इम्पैक्ट अवार्ड्स की कि उन्होंने इतना अच्छा अवार्ड्स शो रखा है. और मुझे, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ही अच्छी, बहुत मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि मैं यहाँ हूँ और इतने सारे लोगों को सम्मानित कर रही हूँ. सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच फॉर शैलेश भाई जिन्होंने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया, यहाँ पे बुलाया मुझे. काफ़ी अवार्ड कर चुका हूँ उनके साथ में. अभी मेरा खुद का अवार्ड आ रहा है जिनके जिसमें मैं खुद अपना प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये है फॉरम एंटरटेनमेंट प्रेजेंट जिसमें रिमी से साथ कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेस होने वाला है 20th ऑफ अप्रैल.
राजकुमार जी काफी एक्टरों को जानते हैं, मैं उनको काफी बड़े भाई की तरह रेस्पेक्ट भी देता हूँ उनको, और हमेशा वो मेरे को इनवाइट करते हैं। इस बार भी इस बार मैंने उनको मेन चीफ गेस्ट बुलाया है अपने अवार्ड। रियली आई एम सो हैप्पी, और चैलेंज लाइफ को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और उन्होंने काफी मेरे को सपोर्ट भी किया है, हर जगह मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह मेरे को सादर आमंत्रित किया है। रियली थैंक यू सो मच राम भाई एंड चैलेंज भाई। हमेशा खुशी होती है और एक खुशी में एक और खुशी सम्मिलित हो गई है हमारी लाइफ के अंदर, एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। और हमारा आपका भी शो ऑल्सो आ रहा है, हमारा राज जिंजर में हमारा शो होने वाला है रिमी सेन के साथ, और जिसमें शैलेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे शो के साथ, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इसी तरीके से और सारे शोज करते रहें और काफ़ी सारे अवार्ड देते रहे। हमारी जो कंपनी है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ पावर हाउस, वी आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड एक्चुअली। हमारा वर्ल्ड वाइड शोज रहते हैं और वी आर इनटू फाइनेंसेस आल्सो, सो दिस इज द टाइम लाइक हमें गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे सम्मानित किया गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। और लाइफ के अंदर ऐसे ही सक्सीड होते रहे, खुश होते रहे, लाइफ के अंदर जीते रहे और दूसरों के लिए भी खुशियाँ बांटते रहे, नया प्लेटफॉर्म देते रहे। थैंक यू सो मच। प्रीति जी मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है, ये दोनों आर्टिस्ट मेरी दोस्त हैं। महिमा जी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, इनके साथ भी मैंने बहुत इलेक्शन कंपेनिंग काफ़ी चीज़ें की हुई हैं इनके साथ, इसलिए वो मेरे को बहुत दिनों बाद बोले, वो रियली गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच। Really very cutest person we have, he's my brother actually, and I'm very happy he's from media or Mumbai Raftaar, and bahut hi acha yogdan rehta hai Shailesh bhaiya ka hamare sath hamare acche khase events ke andar, aage bhi jo hum Rimmi Sen ke sath event karne wale hain uske andar bhi unka bahut bada yogdan rahega, aise chahti hu mere brother bahut aage badhte rahe aur hum log bhi aage jaate rahe, life ke andar succeed hote rahe। Shailesh मीडिया का थैंक्स, टिंकू पाजी का थैंक्स, जो आज मेरे लिए खास निकल गया टाइम, शो का भी अच्छा हुआ, कृपया अपना टाइम दिया, प्यार मोहब्बत से प्रोग्राम हो गया, आप लोगों के आशीर्वाद से प्रोग्राम छोटा मोटा हिट हुआ। आपके ब्रदर है, भाई है, बहन है, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, और जो राज वाले सर राम भाई जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, एकदम छोटे भाई समझो मुझको और वो बड़े भाई समझो उनको, और इतना प्यार देते हैं राज वाले सर भी, मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। ऑल्सो मेरा एक ब्रदर है निकेश साराचंद, ये पर्दे पे आएंगे ना लेकिन पीछे से हमेशा मेरा साथ देते हैं, तो किधर है निकेश भाई, किधर है, तो ये निकेश भाई जो ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैंने बोला ना मेरे तीन चार इसे जिसे राज काले सर हो गए, निकेश सर हो गए, सौरव भाई हो गए, ये सब मेरे अच्छे लोग हैं जो मुझे अच्छी तरह बुरे टाइम पे साथ देते, मैं आज चौथा कहना चाहूँगा कि हमेशा मेरा साथ दो और मुझे ज़्यादा इस तरह सपोर्ट करो निकेश भाई को। बाकी अपनी है, बाद में अपन दान करेंगे जिस दिन जाना है, मैं कहना चाहूंगा सरेश पटेल जी के लिए, सरेश पटेल जी आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब दिख रहा है इन्हीं की वजह से, इन्हीं के आशीर्वाद से हो और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे आया हूँ, मैंने ये सरेश पटेल के लिए जोरदार ताली बजाई, इनका प्यार है, ये प्यार है इनका, बाकी इनके पास अच्छा शोहरत है, दौलत है, आदमी पैसे शोहरत से आगे, हाँ दोस्त होना चाहिए वो मैं हूँ, भले पैसे से कम है लेकिन दोस्त हूँ सच्चा, तो राज सरेश मैं बाहर जा रहा हूँ उनके लिए, हम आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम इशिका है, मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आई हूँ, एंड आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रिमी सिंह जी के हाथों से मुझे अवार्ड मिली है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ मेरी खुशी की बात नहीं है, मेरी खुद अंडमान की खुशी की बात है, सो मैं मेरी अंडमान को रिप्रेजेंट कर पाई मुझे इस बात की बहुत खुशी है, थैंक यू। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो उन्होंने इतने अच्छे से अरेंज किया है चीज़ों को, एंड यही बोलना चाहूँगी कि बचपन का ऐसे अच्छे अच्छे काम आगे और भी करते रहे। डॉक्टर
सर ने विनोद जो किया नेशनल अवार्ड देने के लिए, और ये मेरे लिए वो तो आगे काम के लिए मेरे प्रेरणा रहेगी। इसके और इतने कंस्ट्रक्टर्स और सब टीम को अच्छे बधाई देता हूँ। सबसे पहली बात साक्षात एंटरटेनमेंट रामपाल जी, शैलेश पटेल जी और उनके सारे एसोसिएट्स, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। लगातार ये अवार्ड शो वो करवाते हैं और समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को नवाजते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आज भी नेशनल इम्पैक्ट ये टाइटल से कई लोगों को सम्मानित किया गया, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इनके साथ काफ़ी लंबे समय से एसोसिएट हूँ और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें हम सपोर्ट करते रहते हैं। आज मुझे भी नेशनल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Hi everybody, I am Amish Modi. My company name of the GMW Services Corporation, connected with the building and I have worked with the legal team. I am very thankful for this award, very specially to Ram Prakash Ji, Sir Shailesh Patel Ji and Dr. Nikesh Tarachan Shah, who is giving deep opportunity to me, and I am very thankful. You all are very, wish you all the best. May God bless you. Have a successful life and peaceful life. Thank you. सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा शैलेश पटेल जी का, नितेश तारचंद जी का, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया है। और ये इवेंट बस ऐसे ही चलते रहे ताकि लोग अच्छे काम करते रहे। थैंक यू। इवेंट किया हुआ है रामपाल जी और शैलेश पटेल जी ने, बहुत अच्छा फंक्शन रखा। और हमारी कंपनी ऑलवेज निक्सा एंटरटेनमेंट उनको सपोर्ट करती है, ऑलवेज उनके कोई भी फंक्शन हो गए हम ऑलवेज उनके साथ जुड़े हुए ही है और एज अ टीम हम काम करते हैं। और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं, मेरे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। एक मेरा अवार्ड आ रहा है जिसमें सुष्मिता सेन जी है चीफ गेस्ट में, एक रिम्बी सेन जी के साथ आ रहा है और मंदाकिनी जी के साथ आ रहा है। तो आने वाले समय में यही एक दो महीनों में आपको बहुत सारी सरप्राइजेस और मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। 28 अप्रैल को अवार्ड होने वाला है जो हम लोग करने जा रहे हैं, हम साथ में ही हैं सारे। सौरभ एंटरटेनमेंट हो गया, एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट हो गया, अंशिका एंटरटेनमेंट हो गया और आपका नेक्सा एंटरटेनमेंट। तो 28 अप्रैल को होटल जिंजर है सारा शहर के बाजू में, इट्स अ 5-star प्रॉपर्टी जिसमें रिमी सेन आ रही है, सुनील पाल जी हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे उसमें। और इसमें अवार्ड शो भी होगा, अवार्ड शो होगा, फैशन शो होगा, सारी चीज़ें होंगी उसमें। आज का अवार्ड भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज किया है शैलेश भाई ने, राम कुमार जी ने, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हमें बुलाया, उन्होंने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। 28 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है खाली अवार्ड फंक्शन की, उसमें आपको फैशन शो भी देखने मिलेगा और बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। बहुत सारे वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो आप सब हमारे साथ जुड़िए और 28 तारीख का इवेंट एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल अगेन। थैंक यू। My name is Prisha Shah. My name is Prisha Shah. Studying 8th standard. मैं यहाँ पे अवार्ड लेने आई हूँ क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था डांस का और मैं सिलेक्ट हुई, तो ये अवार्ड लेने आई हूँ। कितनी खुशी मिल रही है आज आपको प्रीति जी ने इतनी बड़ी एंट्री में आपको अवार्ड से नवाजा, तो कितना हौसला और बुलंद हो गया। थैंक यू जिसने मुझे ये अवार्ड दिया, मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हुई। प्रोफेशनल आप स्टडी भी करते हो और डांसिंग भी करते हो, तो आप लगे आप प्रोफेशन बनाना है इसको बताओ। मैं स्टडी भी करती हूँ साथ साथ डांसिंग काम करती हूँ। किस क्लास में, कहीं पर किसी से क्लासेस लेते हो या? हाँ, मैं सुरेंद्रनगर पर रोमा मैम के पास क्लासेस लेती हूँ। आगे इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुझे आगे एक्ट्रेस की फील्ड में काम करना। थैंक यू सो मच। और हमें बहुत खुशी हो रही है, बड़ा प्यारा सा अवार्ड मिला।
थैंक यू सो मच जो हमें ट्रॉफी दी गई है नेशनल इंपैक्ट अवार्ड 2024 का। कृष्ण सिंह यानी नाम यहाँ पे तो उनकी तरफ से हमें अवार्ड दिया गया दीपा जी को और हमें, और बहुत बहुत आभार शैलेश भाई का, रामगिया का, राजकाले सर का। इसी तरह अवार्ड शो होते रहे और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे जो अलग अलग सिटीज से आते हैं या मुंबई में, और उन्हें यहाँ पे सम्मानित हम लोग भी ऑर्गेनाइजर हैं अवार्ड शोज के, काफी अवार्ड शोज कराते हैं, लेकिन इस अवार्ड मिलने से काफी इम्पैक्ट आता है नॉर्मल आदमी की जिंदगी में। उसको पुरस्कार मिलता है, वो अच्छे काम करता है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो उसको देख के आगे भी कई लोग और अच्छे काम करते हैं जिससे पूरे तमाम देश में पॉजिटिविटी फैलती है। थैंक यू सर।